आज भी रिया की गिरफ्तारी की संभावना कम है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि बहुत मुमकिन है आज भी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ना हो, कल भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। सूत्र बता रहे हैं कि आज भी बहुत मुमकिन है रिया की गिरफ्तारी ना हो, कल भी रिया से पूछताछ होती रह सकती है। ये जो बहस चल रही है कुल मिलाकर कंगना रनौत के बयान को लेकर, राहुल ईश्वर सारी बहस एक तरफ, क्या इस बात को जायज ठहरा सकते हैं कि उनके घर पे आप अधिकारी भेज दें और उनको दफ्तर में लोगों को भेजकर ये मैसेज करवाने की कोशिश करें कि सरकार के खिलाफ बोलोगे? रोहित जी दोनों तरफ से कई सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसा आया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों तरफ से एक मॉडरेशन का पाथ लेना चाहिए। कंगना जी ने जो मुंबई को पीओके का एक लाइन बताया वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, इसलिए। और एक और बात, कंगना जी को अभी ड्रग्स से जुड़ने का प्रयास हो रहा है, वो भी अनफॉर्चुनेट है, इसलिए दोनों पक्ष के नेता को एक मॉडरेशन होना चाहिए। ये कोई जंग नहीं है, हम सब सच्चाई के लिए लड़ रहा है, सुशांत के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, वो सुइसाइड या मर्डर है, मगर ये अभी तक एक डिवाइडेड पोलराइज वॉर हो गया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये पॉलिटिकल हो गया, ये बिटवीन टू स्पेक्ट्रम्स हो गया, इसीलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कंगना जी का बयान और कंगना जी के खिलाफ जो बयान, ये दोनों अनफॉर्चुनेट है। बहुत भाजपा या शिवसेना को इसे बैक ऑफ कर देना चाहिए और एक मॉडरेशन की तरीका लाना चाहिए, इसलिए हमारा पब्लिक डिस्कोर्स को हम ऊंचा ला सके। इसलिए दोनों तरफ को एक मॉडरेशन या रेस्ट्रेन, हम जो कहते हैं अंग्रेजी में, वो रेस्ट्रेन लाना चाहिए। कंगना जी को भी, कंगना जी बहुत एक्टिव रख रहा है, मगर कंगना जी जैसे एक महान अभिनेता जो टॉप एक्ट्रेस अवार्ड जीता है, इसलिए उसको भी एक सेल्फ रेस्ट्रेन होना चाहिए। और कई सारे बॉलीवुड के अभिनेता को उन्होंने स्मियर किया, नाम बता के स्मियर किया, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है सर, ठीक है, मैं तरुण राठी से सवाल लूं, उसके पहले दिव्येश हमारे सहयोगी आ गए हैं लाइव जानकारी दे रहे हैं। दिव्येश, सुबह 9:30 से पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से, क्या खबर आ रही है आपके पास, बोलिए। जी, आपको बताएं रोहित कि अभी अभी सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि रिया को आज फिर घर जाने दिया जाएगा। सवेरे जब हमारी बात हुई थी एनसीबी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से, तो उनका ये कहना था कि वो पुख्ता जानकारी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कन्फ्रंट किया जाएगा। उन्हें सामने बिठाकर दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती, जो कि उनके भाई हैं, उनके सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन, कोई पुख्ता एविडेंस उनके खिलाफ हाथ लगे, ताकि वो एक स्ट्रांग वाटर टाइट केस बना सके। अभी आपको दिखा दें, मेरे कैमरा पर्सन सचिन सावंत आपको दिखाएंगे कि रिया की जो पुलिस स्क्वाड व्हीकल है वो यहाँ पर मौजूद है। ये दोपहर को ये गाड़ी चली गई थी, पर अब इस गाड़ी को फिर से बुलाया गया है और इससे यही निर्देश निकाला जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि रिया को अब घर जाने दिया जाएगा। मुंबई पुलिस की प्रोवाइड की हुई ये पुलिस सिक्योरिटी स्क्वाड व्हीकल जो रिया के कंप्लेन करने बाद कराई गई थी, रिया के खिलाफ कुछ भी पुख्ता नहीं लगा, क्या इसको ऐसे समझे? जी, हम ऐसा कह सकते हैं कि एनसीबी और एविडेंस खंगालने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग केस बना सके। सवेरे जब हमारी एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई थी जो इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनका कहना यही था कि रिया ने प्रोक्योरमेंट यानी ड्रग्स को अपने हाथ में लेने, उसको ट्रांसपोर्ट करने, उसको कंज्यूम करने और उसको डिलीवर करने से साफ मना कर दिया है, इसीलिए वो लोग पुख्ता एविडेंस उसके खिलाफ जुटाने में लगे हैं, ताकि एक पुख्ता केस बनाया जा सके।